नमस्कार फ्रेंड्स, अगर विश्व को बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है, तो स्वदेशी को अपनाना है, क्योंकि स्वदेशी निर्मित सभी वस्तुएं वो एक वैज्ञानिक पद्धति से बनाई हुई वस्तु होती है, जिसमें हम प्रकृति से लेते कम और उन्हें देते ज्यादा है, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण हमारे लिए और पूरे समाज और पूरे देश और दुनिया के लिए अति आवश्यक है। तो स्वदेशी अपनाना और स्वदेशी के ऊपर जागृति और जागरूकता पहुंचाना हम सभी नागरिकों की जिम्मेवारी है। आइए देखें स्वदेशी जागरण का एक प्रोग्राम का अभिन्न हिस्सा। आपके कारण इस प्रकृति का जितना क्षरण हो रहा है, हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, हम एसी में बैठकर जितना कार्बन डाइऑक्साइड का क्षरण कर रहे हैं, हम गाड़ी चलाते हैं तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं प्रकृति में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने पौधे लगाना होगा जीवन में? 10 लगाना होगा, 20 लगाना होगा, 30 लगाना होगा। तो पहला तो दायित्व तो है कि हम उसको पूरा करें, क्योंकि जब पौधा लगाते हैं तो न सिर्फ वो वायुमंडल को शुद्ध करता है, बल्कि मिट्टी को भी पकड़ता है, जल को भी मिट्टी के अंदर ले जाता है, तो जल संरक्षण करता है, वायु को ठीक करता है, और इस पारितंत्र में कईयों के भोजन और कई चीजों को वो व्यवस्थित करता है। तो हमें छोटी छोटी चीजों में जल संरक्षण के बारे में विचार करना होगा, पौधा रोपण के बारे में विचार करना होगा, अपने जीवन के बारे में विचार करना होगा। त्याग पूर्वक उपभोग, यानी उपभोग की एक मर्यादा तय करनी होगी। आपके पास है तो आप पूरी सृष्टि को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, यह हक आपको नहीं दिया जा सकता है। आपके कारण, आपकी सुख से अगर पूरी सृष्टि का डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो ऐसे सुख को भी रोकना होगा। ये गंदे केवल को नहीं रोकना होगा, वैचारिक रूप से रोकना होगा। उसके मन में इतनी करुणा होनी चाहिए, उसके मन में इतना दया भाव होनी चाहिए, उसके मन में ये सामंजस्य होनी चाहिए कि मेरे कारण समाज में लोग दुखी न हों। और जब इस भाव को, भारतीय भाव को हम जिंदा करेंगे, पर्यावरण के विषय में अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हम जागृत करेंगे। वृक्ष लगाना आज शाम से चलते हमने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। आप उपकार नहीं कर रहे हैं, अपना ऋण चुका रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हमें तो पूर्वजों का ऋण भी चुकाना पड़ता है। तो पिछले 50 वर्षों में इस विकास पद्धति में जो डिस्टॉर्शन हुआ है, उसका ऋण भी हमें चुकाना है। इसलिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें विकास का कौन सा मॉडल स्वीकार करना है। भारतीय विचार के अनुसार प्रकृति के साथ समन्वय बना के, या पश्चिम के विकास का मॉडल जिसमें आने वाले 30 साल 40 साल में यह पूरी धरती विनाश के कगार पर खड़ी होगी। इसलिए इस विकास की परिभाषा को हमें बदलनी पड़ेगी। अगर पूरे झारखंड का वाटर लेवल अगले 10 साल में 100 फीट ऊपर आता है, जमशेदपुर का वाटर लेवल बागबेड़ा का, जुगसलाई का 200 फीट ऊपर आता है, तो विकास हुआ। अगर पूरे झारखंड का वन क्षेत्र बढ़ता है तो विकास हुआ। पूरे देश में अगर जैविक खेती का क्षेत्र बढ़ता है तो विकास हुआ। लेकिन अगर इसका उल्टा जा रहा है तो विनाश की ओर बढ़ता हुआ कदम है। इसलिए इस विकास की, इस उपभोगवादी विकास की परिभाषा को बदलना पड़ेगा। समय आ गया है कि हम भारतीय अनुरूप विकास का मॉडल को पूरी दुनिया के सामने रखें, क्योंकि यही मॉडल है न केवल हमें बचा सकती है, भारत को बचा सकती है, बल्कि दुनिया जो आज इस संकट में फंसा हुआ है उसको भी रास्ता दिखा सकती है। देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन वही व्यक्ति, हालांकि सामाजिक विषय पे था लेकिन पर्यावरण पे भी सटीक बैठता है, कि अपनी एक फिल्म बनाते हैं जिसमें कहते हैं राम तेरी गंगा मैली होगी, पापियों के पाप धोने,
हम पाप कर रहे हैं, इसका एहसास सबको होना चाहिए। इसलिए मेरे मित्रों, पर्यावरण कोई भाषण का विषय नहीं है, जीवन में अनुकरण का विषय है। मैं तीन चार चीजें आपके सामने आग्रह करूंगा, व्यवहारिक रूप से आग्रह करूंगा कि जहां भी अवसर मिले तो पर्यावरण के बारे में सजग रहें, व्यक्तिगत रूप से और अपने पारिवारिक रूप से कम जल संरक्षण और पौधारोपण का काम करें। कहीं भी अगर इसका डिस्टॉर्शन हो रहा है तो उसको रोके और अपने घर में भावी पीढ़ी को आप 99% लाके आईआईटी और बाकी की जो बात समझाते हैं तो उसके जीवन के लिए पर्यावरण, संस्कार, स्वदेशी, इन सब बातों को भी निश्चित रूप से हम समझाएं। और हमारे जीवन का जो अधिकतम समय 5 लोग बैठते हैं तो जिस राजनीति पे गुजरती है वो राजनीति तो समाज का पिछलू है। अगर अगली बार आप खड़ा होकर कह देंगे कि पर्यावरण का जो साथ देगा हम उसी को वोट देंगे, देखिएगा अगली बार वो पर्यावरण बचाने निकल पड़ेगा। इसलिए आपको खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि डूबेगी जब ये कश्ती, डूबेंगे हम ये सारे, न हम यहां बचेंगे न साथी यहां हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेगा तो समाज का विकास होगा और समाज के विकास से ही देश का विकास होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत असल में सच्चाई तो यही है कि भारत की महिला जन्म से ही स्वदेशी वाली मानसिकता लेकर चलती है। ये कालांतर में थोड़ा परिवर्तन जो समाज में कुछ देखा देखी होता है उसकी वजह से कुछ ऐसी विकृतियां पैदा हुई जिसका दुष्परिणाम हुआ कि हम पश्चिमीकरण की ओर जाने लगे और हमारा बाल बच्चा जो नई पीढ़ी हुआ वो थोड़ा आधुनिकीकरण का शिकार हुआ, जिसकी वजह से समाज में बहुत सारी असमानताएं पैदा हो गई। लेकिन चूंकि हम संस्कार लेके वो आए हैं कि हमको मालूम है कि हमारा जो जन्म से जो संस्कार मिलता है उस संस्कार को लेकर अगर चलेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था, देश का स्वास्थ्य, देश का शिक्षा जो है, पर्यावरण है, वो सब कुछ इससे सुधर सकता है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ कहा जाता है कि अपना भाषा, अपना भवन, अपना भोजन, अपना वेशभूषा और अपना स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जो अपनी पद्धति है अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो हर तरह से हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। और हम अगर स्वस्थ हैं, हमारा समाज अगर स्वस्थ है तो निश्चित रूप से देश सब तरह से स्वस्थ होगा। क्योंकि हम अगर अपने आर्थिक कमजोरी की बात करते हैं तो अर्थ कहाँ जाता है, देखा देखी दूसरों के से प्रभावित होकर अगर हम बर्बादी की ओर जाते हैं शिक्षा के लिए, हम अगर यहाँ से पढ़ा करके बच्चों को भेज देते हैं कहीं दूसरी जगह पढ़ने, निश्चित रूप से वो वहाँ जाता है, वहाँ की मानसिकता आती है, बदल जाता है। स्वास्थ्य का है, हम अपने जो अपनी हमारी पद्धति थी उसको छोड़ करके सिर्फ एकदम पहली बार में ही हम जो एलोपैथ की ओर भागते हैं, ये उन लोगों का एक सिद्धांत है। हमको एक घटना याद आती है कि आज से 20 साल पहले डॉक्टर कहते थे कि शुगर 142 होता है, उसमें कहते हैं बॉर्डर लाइन होता है, लेकिन आज परिस्थिति हो गई है कि अगर 112 115 होता है तो बोलता है बॉर्डर लाइन आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सब एक ऐसी व्यवस्था है विदेश की कि जिससे हमारे देश को एकदम बीमार करना चाहता है, इसलिए नहीं भी है तो भी दवाई खाओ। तो इसलिए हम लोगों का संस्कार कहता है कि कुछ हुआ तो अपने यहाँ इतनी पद्धति है, अपना अपना जो पहले होता था, ये जो व्रत है क्या है, व्रत कुछ नहीं है, अपने शरीर का परिमार्जन करना है तो पहले अपना शुद्धिकरण करो, अपना जड़ी बूटी से देख लो, नहीं होता है तो वो आखिरी हथियार है। तो वो इसलिए
सभी जगह पर एक ऐसी पद्धति है, हम लोग पढ़ाई के मामले में भी है। अगर हम सही माने में याद करिए, बचपन में हम लोग देखते थे कि बच्चे घर में पढ़ते हैं, माँ बाप के साथ घर में भी काम करते हैं, दुकान अगर है तो दुकानदारी भी किए, अगर उसका पिताजी कोई तरह का मिस्त्री का काम करता है तो वो साथ में जा करके, 5 साल का बच्चा है, भाती चलाता है, लोहा का काम जानता है, बढ़ई का काम करंदा करना जानता है, तो ये जन्म से सीखते थे, इसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं होती थी, और एक समय आता था कि वो स्किल्ड हो जाता था। तो दीदी क्या संदेश देना चाहेंगे आप सभी महिलाओं को? महिलाओं को हम यही कहेंगे कि हम अपनी अपना जो हमारा पद्धति है, हमारा भोजन, हमारा भवन, हमारा वेशभूषा, हमारी जो भारतीय संस्कृति परंपरा है, वो सारा कुछ को हम फिर से अपने घर परिवार में चालू करें, अपने बच्चों के बीच में भावना भरे कि हम अपनी पुरानी पद्धति को लेकर के विकास की ओर फिर से अग्रसर हों। जी जी, अपना परिचय। मेरा नाम मधुलिका मेहता, मैं प्रांत की महिला प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच। धन्यवाद। हमारा जो जिला सम्मेलन रखा जा रहा है, तो ये स्वदेशी जागरण के जितने भी हमारे जमशेदपुर के इकाई के सभी सदस्य, सभी कार्यकर्ता ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये किया है, और इस तरह का कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता बनी रहे पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए या स्वरोजगार के लिए। जैसे कि आज बहुत ही चीज़ों का हमें ज्ञान हुआ कि कैसे छोटे छोटे हम लघु उद्योग भी कर सकते हैं, घर पे बैठे कर सकते हैं, इस तरह से बहुत ही लघु उद्योग के बारे में भी पता चला, और स्वरोजगार से ही हमारा देश का विकास होगा, हमारे शहर का विकास होगा। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे ये आज के सम्मेलन के लिए, और खासकर उन युवा पीढ़ी के लिए कि जो स्वदेशी से जोड़ना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आज का स्वदेशी जागरण मंच का जिला अध्यक्ष हमारा प्रमुख जो है राजपति जी को बहुत बहुत हम आभार प्रकट करते हैं कि इस तरह से एक आयोजन के लिए स्वदेशी जागरण, जागरण सबसे हम सब जानते हैं कि इनका पहला जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, तो ये जागरूक करने के काम में अग्रणी है। लेकिन इसमें मैं एक महिला होने के नाते कहती हूँ कि महिलाओं को जिम्मेदारी बहुत अधिक है, क्योंकि बच्चे को और जो युवा पीढ़ी भविष्य के हैं उनको परवरिश माँ ही करती है, तो हम लोगों का दायित्व बनता कि उन लोगों में संस्कार देने का, उन लोगों में कैसे शिक्षा देना चाहिए, कैसे उन लोग स्वावलंबी होंगे, कैसे स्टार्टअप करेंगे, ये सब तो घर से ही हम लोग उनको देंगे, जिससे वो परवरिश हो के हमारा देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे। और ये जो आज एक समस्या चारों ओर, जो पर्यावरण को बोलिए, चाहे बेरोजगार को बोलिए, चाहे आप चारों ओर जो एक असहिष्णुता का मार्ग, सब पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन अंत में क्या मिल रहा है, ये शिक्षा मिलना सबसे जरूरी है कि एक अच्छा मानव। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, मानव का भी कुछ अपना दायित्व बनता है, ये दायित्व निभाना सबका काम है, तभी देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा। इतना ही बोल के मैंने वाणी का विराम देते हुए, नमस्कार, मैं पूर्वी घोष, ये स्वदेशी जागरण मंच के सक्रिय सदस्य। दीदी क्या कहेंगे आप संदेश में, क्या कहेंगे? संदेश में यही कहेंगे कि आज जो हमारे जिला सम्मेलन में हमारे सभी क्षेत्र से आए हुए हमारे बहने, युवा या बुजुर्ग, ये सभी जो आज के जो वक्ताएं हमारे बीच में जो हुआ पर्यावरण पर या स्वास्थ्य पर या रोजगार पर, स्वावलंबी भारत अभियान पर, तो ये सभी जो है अपने घर में जाकर अपने बच्चों के साथ इसको, उनके साथ उनको बताएं और स्वदेशी जागरण मंच को अपनाएं। हमारे देश में अभी बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो विदेशी है, और विदेशी जो है हम सस्ता के कारण हम विदेशी पर फूट मरते हैं कि विदेशी है तो सस्ता है। सबसे ज़्यादा जो आता है चाइना से खिलौना, जो उसमें सबसे ज़्यादा बीमारी है चाइना के खिलौना में, वो चीज़ को समझना है स्वदेशी जागरण मंच के जिला सम्मेलन के थ्रू हम लोग इसको बता रहे हैं कि मैंने जो हमारे देश के, भारत देश के, देश के वासी हैं, जो पहले घरों में सरसों के तेल हम लोग यूज करते थे, दादा दादी
माँ पापा नहीं बाबूजी बोलते थे, आज लोग मम्मी डैड बुलाते हैं, तो ये सब छोड़े और फिर से माँ और दादी और बाबूजी पर उतर आए, क्योंकि ये स्वदेशी कल्चर है और इस स्वदेशी कल्चर को अपनाएं, यही हमारा संदेश है। देखिए, भारत ने पूरी दुनिया के सामने लगभग 2000 वर्षों तक की एक विकास मॉडल दी, जिसमें बेरोजगारी नहीं थी, पर्यावरण का संकट नहीं था, आपस में शोषण नहीं था, संघर्ष नहीं था, और दुनिया की जीडीपी में 30% से ऊपर की अपनी हिस्सेदारी थी 1750 ईस्वी तक। विगत 150-200 वर्षों से चलने वाली विकास की मॉडल और 40-50 वर्षों में जिसने स्पीड पकड़ा है, आज दुनिया के सामने बेरोजगारी के संकट को खड़ा किया है, पर्यावरण के संकट को खड़ा किया है, जल लगातार घट रहे हैं, डे जीरो की ओर बढ़ रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, सबसे ज़्यादा बीमारियां पर्यावरण जनक रोगों से हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हर युग के युवा का ये चुनौती होता है, जैसे आज़ादी के समय युवाओं की चुनौती थी देश को आज़ाद करना, तो आज दुनिया के सामने भारत के युवाओं की चुनौती है कि भारत के उस विकास की मॉडल को जो प्रकृति के साथ समन्वय बना करके और साझा समाज के विकास को और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए विकसित हुई थी, उसको सामने लाना और इस विकास की मॉडल को जिसमें जल घट रहे हैं, वायु दूषित हो रहे हैं, फॉरेस्ट कवर घट रहे हैं, इसको बदलना और नए मानक गढ़ना कि अगर जलस्तर बढ़े तो विकास, पशुधन बढ़े तो विकास, फॉरेस्ट कवर बढ़े तो विकास, जैविक खेती बढ़े तो विकास, यानी प्रकृति का अगर विकास होता है और प्रकृति से समन्वय होता है तो विकास है। इस चुनौती को युवा को लेना पड़ेगा, समाज के अंदर विकास के मॉडल को बदलना होगा, अपनी भूमिका को निभाना होगा, ताकि आने वाले समय में न केवल हम पर्यावरण बचा सकें बल्कि प्रकृति और एक सुखद भविष्य की लकीर खींच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।